दोस्तों फ्लिपकार्ट पे फिर से सेल स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सेल का नाम है स्मार्टफोन्स कैर्निवल सेल और ये सेल चलेगी 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। अब डिस्काउंट यहाँ पर मिल तो रहे हैं आपको कुछ फ़ोन पे, बट कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो यहाँ से आपको बिल्कुल परचेस नहीं करने हैं। तो क्या आप ले सकते हैं, क्या आपको इग्नोर करना है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्लैगशिप फोन भी थोड़े कम प्राइस पे आपको मिल रहा है इस सेल में। हालांकि एक और सेल है जो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, वहां पर आपको नेक्स्ट लेवल का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे गलत बात मुझे लगी है इस सेल की, कोई भी बैंक ऑफर यहाँ पर नहीं है किसी फोन पे आपको मिल रहा है। जैसे सबसे पहले आपको 3 फोन दिखाए जा रहे हैं रियलमी C11 7299 में, 2GB रैम मिलती है यहाँ पर आपको, तो इसको तो आप इग्नोर कर दीजिए। दूसरा है पोको M3 10499 में। अब यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स इस फोन की शान है प्राइस के हिसाब से और फुल HD प्लस डिस्प्ले, तो अगर आपको कंटेंट देखना पसंद है ऑनलाइन तब आप ये देख सकते हैं फोन। फिर है रियलमी C26 499 में, इसकी भी वही दिक्कत है 2GB रैम यार आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि आपको लेनी चाहिए। देखो प्राइस अच्छा है फोन का, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन जल्दी इंडिया में न्यू आईफोन लॉन्च होने वाले हैं तब आपको आईफोन 12 और भी कम प्राइस में मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सितंबर मिड तक वेट करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको धमाल मिल जाएगा। रियलमी X7 5G 20,000 में आपको मिल रहा है फोन, कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको नहीं दिया जा रहा, तो मैं कहूँगा इसको आप अभी परचेज मत कीजिए। कुछ टाइम बाद आपको यही फोन मिलेगा 17,000 की रेंज में, ज़्यादा वेट इसके लिए भी आपको नहीं करना पड़ेगा। पोको C37 499 में मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। रियलमी X1 Max 5G 23999 में, ये मैं कह सकता हूँ एक टॉप क्लास का फ़ोन है अपने प्राइस पे। अगर आप कोई एक फ्लैगशिप किलर फोन ढूंढ रहे हैं अंडर 25,000, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लो, आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर है डेमेसिटी 1200 प्रोसेसर, जो कि प्राइस के हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाई है, तो मैं इसको एक फ्लैगशिप फ़ोन ही बोल सकता हूँ, फ्लैगशिप किलर बोल सकता हूँ, ट्रू फ्लैगशिप किलर। 24,000 की रेंज में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और Redmi 9 आई भूल जाओ, अब तो Redmi 10 आई वगैरह लॉन्च होने वाले हैं। Realme C21 8999 में आपको मिल रहा है फ़ोन। अब आप खुद बताओ MediaTek Helio G35 कहाँ से जस्टिफाई है इस प्राइस पे, 3GB रैम के साथ। समझ के बाहर है क्या कर रहे हैं ब्रांड। Infinix Hot 10S 9499 में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। देखो ये आप फ़ोन देख सकते हैं, मुझे ये सही लगा फ़ोन प्राइस के हिसाब से। 90Hz का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो ऐसे में प्रोसेसर भी फ़ोन का तगड़ा है प्राइस के हिसाब से, गेमिंग भी आप यहाँ पर अच्छी खासी कर पाएंगे। 14MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी है इस फोन में, तो ये आप देख लीजिए फोन। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल पे 6 giveaway स्टार्ट हो चुके हैं ईयरबड्स के, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। और भी 2 वीडियोज हैं जो आपने शायद अब तक नहीं देखी हैं, देख लेना। तो बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको वीडियोज कैसी लगी, और ये भी बताना कि इस सेल से आप कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे या फिर आप वेट करेंगे नेक्स्ट सेल की। आप कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। Infinix Hot 10 Play ये है 7999 में, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। Moto G10 Power 10,000 में फ़ोन ही आपको मिल रहा है Snapdragon 460 के साथ। 10,000 में मुझे अगर आपको कोई क्लीन इंटरफेस वाला फ़ोन चाहिए तो ये मुझे सही लगा फ़ोन। ThinkShield सिक्योरिटी भी यहाँ पर आपको दी जा रही है, कोई एड्स का बंगा नहीं है, कोई ब्लोटर का बंगा नहीं है। परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी प्राइस के हिसाब से, डे टू डे यूज़ में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इस फ़ोन के साथ। बैटरी यहाँ पर है 6000mAh की। iPhone SE 3499 में सोचना भी मत इसको लेने की अब इस प्राइस पे। तो Realme 8 Pro 17999 Realme 8 5G 15499 यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी Realme के ये फ़ोन है, चाहे वो Realme 8 Pro Realme 8 5G या फिर Realme 8 4G, इनका प्राइस इस टाइम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। 15,000 से ऊपर जा चुका है Realme 8 5G और 4G का प्राइस। साथ में जो Realme 8 Pro है ये 18,000 का मिल रहा है फोन आपको। इससे बेटर आप 16,000 में ले लो Realme 7 Pro, वो भी फोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। Realme 8 Pro 7 Pro दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रियल में प्राइमरी कैमरा को छोड़ के। तो ऐसे में मैं आपको Realme 7 Pro रिकमेंड करूँगा 16,000 में, भले कुछ टाइम पहले 15 का भी मिला था वो फोन, बट अभी 16 का भी ठीक है फोन, वो देख सकते हैं आप। Realme 8 4G 5G का प्राइस 14,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए था, बट अब वो आपको मिल रहा है फोन 15-16,000 की रेंज में। समझ के बाहर है क्या चल रही है। और Realme C21Y 8999 में ये फ़ोन आपको दिया जा रहा है। अब देखो परफॉर्मेंस वगैरह फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, न्यू फ़ोन आपको ये मिल रहा है, बट आपको सेम प्राइस पे Narzo 30A मिल जाएगा, जो कि इससे बेटर ऑप्शन है। Oppo S17 Pro 17990 में, भूल जाओ इसको आप। Redmi 9 Power 11500 में, यार पोको M3 जो आपको मिल रहा है ना फ़ोन 10,500 का, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका प्राइस इतना क्यों किया गया ये चीज़ भी समझ के बाहर है। Xiaomi तो दोस्तों आजकल नेक्स्ट लेवल का ही परफॉर्म कर रहा है, प्राइसिंग ऐसे बढ़ा रहे हैं
मतलब रेडमी नोट 10 सीरीज में आप देखेंगे ना उसका प्राइस अब काफ़ी बढ़ चुका है। रेडमी नोट 10, 10 प्रो, 10 प्रो मैक्स, बेस वेरियंट तो गायब ही कर दिया सबका इन्होंने। आईफोन 12 में नहीं, 5999 में। अच्छा बोनस आर्जन में, बस यहाँ भी मैं आपको यही कहूँगा सेप्टेम्बर मिड तक वेट कर लीजिए, नए आईफोन आने दो, प्राइस और कट होगा इनका। रियलमी C2S G35, G85 के साथ अच्छा फ़ोन है ये, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है परफॉर्मेंस को लेकर। मेन मैं आपको ये कहूँगा जो आपको नार्जो 30 मिल रहा है ना इससे कम प्राइस पे, उसके सामने और इसको आप देखेंगे तो कोई आपको दोनों में मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम HD प्लस डिस्प्ले के साथ ये वाला फ़ोन 11,000 में क्यों बाई करेंगे? अगर यहाँ पर फुल HD प्लस होता तब बात समझ में आ सकती थी। नार्जो 30 13,500 में आपको 14 में मिल रहा है, 13999 में नार्जो 30 5G, तो वो मैं आपको इसकी जगह पे रिकमेंड करता हूँ। बाकी रियलमी 8 के न्यू सीरीज़ के फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, रियलमी 8i G96 के साथ और रियलमी 8s 5G, इनका हम वेट करते हैं, बताऊँगा मैं आपको लॉन्च होने के बाद कि अपने प्राइस पे कैसे स्मार्टफोन्स हैं। रियलमी नार्जो 30 5G 15,000 हो गया इस फोन का प्राइस। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी रियलमी के स्मार्टफोन्स की, रियलमी का कौन सा फोन आपको लेना है, कौन सा इग्नोर करना है, वहाँ पर मैंने आपको क्लियर कहा था ये फोन आपको 14,000 में मिल रहा है और 14,000 में बहुत अच्छा फोन है। इट्स मिक्स स्मार्ट 5A, भूल जाओ इसको, आप 7,000 में मिल रहा है आपको। माइक्रोमैक्स इन 2 भी, ये मैं आपको फोन रिकमेंड कर सकता हूँ, मुझे ये फोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है अपने प्राइस सेगमेंट में। पोको M3 Pro 5G 14,000 में, अगर आपको अंडर 15,000 5G फोन चाहिए तो ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको पोको X3 Pro मिल रहे हैं 19,000 में, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं है, बट फिर भी स्नैपड्रैगन 860 इसमें आपको दे रखा है, तो बिना डिस्काउंट के भी ये फोन मैं आपको इस प्राइस पर रिकमेंड कर सकता हूँ। और मोटो G60 18,000 में, ये मैं अभी रुक जाऊँ इसको लेने से पहले आप, क्योंकि ये आपको 1500 तक फ़ोन आराम से मिल जाएगा, 18,000 पे करने का कोई मतलब नहीं बनता अभी इसके लिए, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर। रियलमी X1 Pro 5G भूल जाओ इसको आप, नार्जो 30 Pro 5G 16,000 में, ये भी अगर आपको 15 तक मिलता है तो यहाँ पर आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर लेना, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, और 15 में ये फ़ोन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ अभी। सैमसंग F41 14,500 में, भूल जाओ इसको आप, इससे बेटर है कि आप ले लो सैमसंग M21 2021 एडिशन, जो कि आपको 11-12,000 के आसपास की रेंज में मिल जाएगा, या फिर आप ले लो सैमसंग F12 जिसका प्राइस है 10-11,000 के आसपास। पोको M2 रीलोडेड, ये भी सही फ़ोन है 10,000 में। 10,000 में दो फोन है जो मुझे सही लगते हैं, तो ये वाला फ़ोन है और दूसरा फोन है माइक्रोमैक्स इन 1। इन दोनों में से वैसे मैं आपको माइक्रोमैक्स इन 1 स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर है फुल HD प्लस डिस्प्ले, G80 यहाँ भी वही है, लेकिन वहाँ पर इंटरफेस काफ़ी क्लीन है, जो कि आपको पोको M2 में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा ब्लोटर का पंगा, मतलब वो दिक्कत रहेगी इंटरफेस को लेकर। और मोटो G40 फ्यूजन 14,500 में ये फ़ोन आपको मिल रहा है, ये भी आपको कुछ टाइम बाद 13,500 का मिल जाएगा, अगर आपको जल्दी नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ओप्पो F19 18,990 में, मैं नहीं करूँगा रिकमेंड आपको ये फ़ोन। और रेडमी नोट 9 अब कोई मतलब नहीं बनता, रेडमी नोट 10 कब से आ चुका यार, रेडमी 9 प्राइम भी लेने का मतलब नहीं बनता, 10 प्राइम इससे बेटर ऑप्शन है जो कि आपको मिलने वाला है। रियलमी 8 16,000 में, मैं आपको कह चुका हूँ 8, 5G, 4G सब भूल जाओ। नार्जो 30 है 9,000 में, बहुत अच्छा फ़ोन है, आप देख सकते हैं गेमिंग भी आप यहाँ पर अच्छी खासी कर पाएंगे, बैटरी भी यहाँ पर है 6,000 mAh की, हालांकि अभी ये भी फ़ोन कुछ टाइम पहले 8,000 का मिल रहा था, बट अभी ये 9,000 का है, बट फिर भी ठीक है फोन 9,000 में। ओप्पो A54 13,990 में, भूल जाओ। सैमसंग F22 13,000 में, देखो मुझे ये सही लगता है, अच्छा पैकेज है, देख सकते हैं आप इस फोन को। F22 इससे पहले मैंने आपको जो F12 बताया था ना उसके कंपैरिजन में ये बेटर ऑप्शन है। और ओप्पो A33 भूल जाओ। इनफिक्स नोट 10 प्रो, ये भी अब आप 17,000 में, भूल जाओ इसको। आपको टेक्नो पोवा 2 भी मिल जाएगा, वो भी अच्छा फ़ोन है 11,000 की रेंज में, अगर आपको इसी सेगमेंट में फ़ोन चाहिए तो। व्यू X60 सीरीज़ का फ़ोन 34,990 में यहाँ पर दिखा रहा है, और यही आपको ऑफलाइन में फ़ोन मिल जाएगा 30 के आसपास, तो ये 30 में बहुत ही ज़बरदस्त वाला ऑप्शन है, यहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, परफॉर्मेंस सब कुछ टॉप क्लास का। पिक्सल 4A 3199 में, भूल जाओ इसको आप। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर मोटो E7 पावर है 6999 में, मोटोला का तो मोटो G10 पावर ही मैं रिकमेंड करूँगा बस आपको, बाकी सब आप भूल जाओ 10,000 से कम की रेंज में। पोको X3 तो 16,000 में आप सोचना भी मत लेने की, इसकी जगह पे तो वही पोको X3 Pro ले लो, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। नोकिया C20 प्लस भूल जाओ। मैग्रोमैक्स इन 1 भी भूल जाओ, अब तो 2 भी आ चुका है, बोलो आप फोन। पोको M2 Pro 14,000 में, इसकी जगह पे तो पोको M3 Pro ले लो 5G वाला, हो सेम प्राइस में मिल जाएगा आपको फोन। पता नहीं यार न्यू वेरिएंट लॉन्च करने के बाद भी पुराने वेरिएंट का प्राइस ज़्यादा कम क्यों नहीं किया जाता, करना चाहिए ब्रांड्स को। वीवो V21e 5G, ये आप ब्रांड लो फोन, आप जोनी मैक्स पी 7,000 में रिकमेंड नहीं करता मैं आपको ये फ़ोन। वीवो Y51a ये सब आप इग्नोर कर दीजिए,
माइक्रोमैक्स इन नॉट वन भी है 11,000 में। अगर आप इसकी जगह पे इन वन लेंगे तो वो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। इसके कंपेरिजन में ज़्यादा ऑप्टिमाइज है वो फ़ोन। और जोनी मैक्स भूल जाओ, अगर हम और नीचे आ रहे हैं तो E7 प्लस है माइक्रोमैक्स का, इसकी जगह पे आप 9,000 में एलियन की जगह पे 10,000 में ले लो G10 पावर। नोकिया C3 भूल जाओ, आइटल ये सब बाकी भूल जाइए आप फोन। अब बात कर लेते हैं एक बार आने वाली सेल के बारे में। यार आपको ना सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसके आसपास फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज देखने को मिलने वाले हैं, वहाँ पर असली सेल देखने को मिलेगी आपको। अभी क्या है कि बहुत ही कम फ़ोन है जहाँ पर आपको तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपको तगड़ा डिस्काउंट चाहिए तो थोड़ा इंतज़ार कर लो बिग बिलियन डेज का, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। सैमसंग F62 भी आपको 16-17,000 में मिल जाएगा उस टाइम पर फ़ोन, जो कि अभी 24,000 का अवेलेबल है। वो जो वहाँ पर प्राइस कट किया जाएगा वो पहली बार आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और ये मैं हर साल देखता हूँ तभी मैं आपको ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्गली बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है ना सिर्फ नाम की सेल दी गई है। 3-4 फोन है यहाँ से जो आप ले सकते हैं दिल खोल के, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंतज़ार करना बनता है। अमेजोन पे भी सेल मिलेगी आपको और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।